हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, टैली प्राइम सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो सैलरी स्लिप जनरेट करने को लेकर के है। तो इसके पहले मैंने आपको बताया था कि पेरोल को कैसे एक्टिवेट करना है, पेरोल में ही जाकर हम सैलरी स्लिप बना सकते हैं। इसका एक छोटा सा एक व्यू मैं आपको दूंगा कि कैसे हम ये कर सकते हैं, एकदम स्टार्टिंग समझिए इसे। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से क्रिएट पे जाएंगे क्योंकि हमें क्रिएट करना है, यहाँ से क्रिएट पे चले गए। अब देखिए पेरोल सेक्शन ऑन होना चाहिए, देखिए यहाँ पे पेरोल मास्टर आपको ऑन दिखाई पड़ रहा है। अगर आपका ऑन नहीं है तो यहाँ पर गेटवे ऑफ टैली पर आकर के कीबोर्ड से F11 बटन प्रेस कीजिए और वो कंपनी चूज कर लीजिए जिसमें आपको एंट्री पास करनी है। यहाँ से आपको मिल जाएगा मेंटेन पेरोल, तो इस पेरोल को आपको यस रखना है, ठीक है। यहाँ पर इसको यस कर लीजिए, ये यहाँ पे नो होगा आपका, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये यस हो जाएगा। उसके बाद से कंट्रोल ए प्रेस कर लीजिए, तो ये हो गया पेरोल एक्टिवेट, ठीक है। अब कहाँ चलना है हमें, अब हमें क्रिएट पे चलना है और यहाँ से आ जाना है यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप पर। आप चाहे तो एम्प्लॉय का ग्रुप भी बना सकते हैं, मैं डायरेक्ट एम्प्लॉय बना रहा हूँ। यहाँ पर आएंगे और एक एम्प्लॉय का नाम मैं रख देता हूँ सचिन, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय है। और एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये प्राइमरी ही रखेंगे हम। और इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या होगी, तो जो भी इनकी ज्वाइनिंग डेट है वो यहाँ पर आप दे दीजिए। तो लाइक मैं 1 अप्रैल 2020 ही रख देता हूँ। और यहाँ पर इनकी सैलरी को डिफाइन करना है, तो ये खुल गया। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको पेहेड बनाना है, ठीक है। पेहेड बनाते समय क्या करना है हमें, यहाँ पर क्रिएट पे जाना है। क्रिएट पर जाने के बाद यहाँ पर क्या देना है, बेसिक सैलरी, क्या देना है, बेसिक सैलरी। तो इनकी बेसिक सैलरी कितनी है वो चीज आप दे दीजिए यहाँ पर, ठीक है। ये बेसिक सैलरी कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। यहाँ पर आएगा अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अभी रखना है आपको अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, तो ये रख देंगे और फिक्स रखेंगे। और फिर ये जो होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दीजिए आप। यहाँ पर अफेक्ट नेट सैलरी यस कर दीजिए, बेसिक सैलरी। और फिर यहाँ पर यूज फॉर कैलकुलेशन ऑफ ग्रेजुएटी, इसको नो रखना है। एंटर प्रेस कीजिए, नीचे आइए, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कर देंगे ऑन अटेंडेंस, ये इस तरीके से कर दिया। अब यहाँ पर अटेंडेंस टाइप एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे दिया है लीव विथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूं एबसेंट, ABSENT, ठीक है, एबसेंट कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया। यहाँ पर आएंगे, इसको किसके अंडर में रखेंगे, यहाँ पर आए और ये यहाँ पे कर देंगे लीव विदाउट पे, यानी कि रोज रोज आप काम करिए, रोज रोज पैसा लीजिए, ठीक है, एबसेंट होंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो ये हमने बना दिया। अब यहाँ पर ठीक है, इसको हम नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं और यहाँ से लीव विदाउट पे, तो यहाँ पे कर देते हैं एबसेंट, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ मैं मंथ, ये मंथ कर दिया हमने। और यहाँ कैलेंडर पीरियड ही रखते हैं। और यहाँ पर कर देता हूँ मैं नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे 3 कर देता हूँ ताकि डेसिमल के 3 प्लेसेस तक ये ले सके। और ये बेसिक सैलरी कितनी है, मान लीजिए 10,000 रुपए बेसिक सैलरी है, तो ये बेसिक सैलरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से क्रिएट पे चलते हैं, कुछ और भी चाहिए, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है, तो ये TA कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर आता हूँ अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज, यही रखना है, फिक्स रखना है। और यहाँ पर आएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है, एंटर प्रेस किया और यहाँ पर एंटर प्रेस करके, और यहाँ पर क्या करना है, ऑन अटेंडेंस, यही रखना है हमें। और यहाँ पर अभी नॉट एप्लीकेबल और ये एब्सेंट करके, और फिर यहाँ पर कर देता हूँ मैं मंथ, ठीक है। और यहाँ पर एंटर प्रेस करता हूँ, और एंटर प्रेस करके यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे नॉर्मल राउंडिंग कर देता हूँ, यहाँ पे 3 कर देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ और एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो ये आ गया। अब TA कितना मिलता है इनको, 10,000 रुपए सैलरी है, 200 रुपया TA मिल जाता है महीने भर का, ठीक है। अगर आप डियरनेस अलाउंस भी बनाना चाहते हैं, लाइक DA भी बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे DA लिख दीजिए, एंटरप्रेस कीजिए, अर्निंग फॉर एम्प्लॉयज फिक्स रखिए इसको, और यहाँ पे रख दीजिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। आप मिसलेनियस में जाएंगे कब, वो आगे चल करके बताऊंगा। यहाँ पर एंटरप्रेस करते हैं, यहाँ पे यूजर डिफाइन नहीं रखना, यहाँ ऑन अटेंडेंस ही रखना है, ठीक है। एंटरप्रेस करना है, यहाँ पे एबसेंट रखता हूँ और यहाँ पे कर देते हैं मंथ, ठीक है, एंटरप्रेस किया, और यहाँ पे कैलेंडर करके, और फिर यहाँ पर कर देते हैं नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ 3 कर देते हैं, एंटरप्रेस करते हैं। तो ये हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें मान लीजिए कि 150 रुपए का DA मिल जाता है, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया, अब इसको एक्सेप्ट कराते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय नंबर वगैरह दे दीजिए जो भी है, डेजिग्नेशन ये है क्या, तो यहाँ पे कर देता हूँ अकाउंटेंट, ये कर दिया हमने इस तरीके से, एंटरप्रेस किया। फंक्शन क्या है, अकाउंट का फंक्शन है, इनका टोटल अकाउंट देखते हैं ये, तो ये अकाउंट कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया। लोकेशन है इनकी देवरिया, ये देवरिया कर दिया हमने, एंटरप्रेस किया।
और यहाँ पे ये मेल है कि फीमेल है, तो सचिन तो मेल है। यहाँ पे आ गए, डेट ऑफ बर्थ जो भी है इनका दे दीजिए, 1790 ये दे दिया हमने, एंटर प्रेस किया। और यहाँ पे ब्लड ग्रुप क्या है, तो जो भी ब्लड ग्रुप हो आप दे दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, फादर्स नेम इनका क्या है, तो एम के सिंह ये दे दिया हमने फादर्स नेम, एंटर प्रेस किया। स्पाउस नेम वगैरह दे सकते हैं, एड्रेस दे दीजिएगा, इसको मैं फिलहाल छोड़ता हूँ। बैंक के डिटेल अगर चाहिए तो वो सब दे सकते हैं, पैन नंबर वगैरह दे सकते हैं, इसको छोड़ता हूँ सब, एंटर प्रेस करता हूँ, एक्सेप्ट कराता हूँ। ये हो गया एक्सेप्ट, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहाँ से बाहर आना है, हमको देखना है सैलरी स्लिप, सब कुछ बन गया, तैयार हो गया। अब हमको सैलरी स्लिप देखना है, कैसे देखेंगे सैलरी स्लिप, देखने के लिए आपको सीधा आ जाना है कहाँ, गेटवे ऑफ टैली पर। और गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद कहाँ चलना है हमें, हमें चलना है यहाँ से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, यानी डी प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही डी प्रेस करेंगे तो ये डिस्प्ले मोर रिपोर्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या करना है, पेरोल रिपोर्ट्स ओपन करना है, तो ये पेरोल रिपोर्ट जो दिया हुआ है इसी पर जाके क्लिक कर दीजिए, माउस से एंटर कर दीजिए कीबोर्ड से, और यहाँ पर आप पे स्लिप देख लीजिए। तो जो पे स्लिप है उसमें इंप्लॉय का क्या नाम है, इंप्लॉय का नाम है सचिन, तो सचिन दे दीजिए। तो जैसे ही सचिन देंगे तो यहाँ पे देखिए 10,350 रुपया इनकी नेट सैलरी बनी हुई है, टोटल अर्निंग इनकी 10,350 रुपए हुई है, ठीक है। अब इसको अगर प्रिंट कर रहा है तो अल्ट के साथ पी प्रेस कर दीजिए और एंटर प्रेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। यहाँ आई बटन प्रेस कीजिए तो प्रीव्यू दिखाई पड़ेगा। तो ये उनकी सैलरी स्लिप जनरेट हो गई और जनरेट होकर आपके सामने आ गई है, ठीक है। बाकी का और डिटेल हम अगले वीडियो में समझेंगे, बारी बारी से करके मैं समझाता चलूंगा आपको कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो शुरुआती दौर की है पेरोल को लेकर के, तो जरूर आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, और कोई सवाल हो तो जरूर पूछें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।